गर्म है इसलिए चीज आसानी से जल्दी से मेल्ट हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी और चीजी बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चीज टाकोस। इसके लिए हम लेंगे 2 रोटी, ये नॉर्मल रोटी है जो हम घर में रेगुलर यूज करते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्ची, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, नमकीन हमने ली है, थोड़ी सी मेयोनीज, टमाटो केचप, चीज लेंगे, नमक और लाल मिर्ची। आप सब्जियां कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम एक चपाती लेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो सॉस। ये चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करनी है हमको। ये सॉस अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब हम इस पे डालेंगे, इसके एक पोर्शन पे हमें डालना है, दोनों साइड पे नहीं डालना है, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, कटी हुई शिमला मिर्ची, साथ में डालेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और इसमें हम चीज को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। चीज आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इसको अब जो हाफ पोर्शन हमने लिया था उससे इस तरह से इसको कवर कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस में दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये रोटियां फिल करके मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। तवा गर्म हो गया है, अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये रोटी को इस तरह से रखेंगे। इसको नीचे से अच्छे से सिकने देंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये नीचे से सिक गए हैं, अब इसके ऊपर की साइड भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे सिक गए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसको सिकने देंगे। ये टाकोस दोनों साइड से अच्छे से सिक गए हैं और बहुत अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये टाकोस हमारे रेडी हो गए हैं। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और टेस्टी बना सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी मेयोनीज लगाई इसके ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी सी हम नमकीन डाल देंगे। और इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे। ये पहला टाकोस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरे टाकोस को हम दूसरी तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम टाकोस को बीच में से खोलेंगे, इसमें बीच में हम थोड़ी सी मेयोनीज इसमें स्प्रेड करेंगे। मेयोनीज हमने डाल ली है, अंदर ही हम थोड़ी सी नमकीन इसमें डाल देंगे। अब इसको हम कट करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम चीज को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि रोटी गरम गरम है तो ये चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये टाकोस हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये गरम है इसलिए चीज आसानी से जल्दी से मेल्ट हो गई है। ये बहुत ही क्रिस्पी और चीजी बने हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।